नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदर नैन आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम सुंदर नैन है। दोस्तों, सर्दियों का मौसम है, मौसम चेंज होते ही खांसी जुखाम होना एक आम बात है। और खांसी जुखाम में कौन सी इफेक्टिव एंटीबायोटिक है जो कि तुरंत आराम करती है, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और इस वीडियो को इसलिए आप अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, दिसंबर का महीना चल रहा है और मौसम चेंज होते ही, क्योंकि पोल्यूशन भी होता है, पोल्यूशन डेली हमारे गले और नाक में जो चढ़ता है उसके कारण मौसम चेंज होती है, खांसी जुखाम होना एक आम बात है। खांसी जुखाम में सबसे पहले आदमी क्या करता है, केमिस्ट के पास जाके मेडिसिन लेता है, अगर उससे आराम नहीं होता फिर वो डॉक्टर के पास जाता है। तो दोस्तों, केमिस्ट वाला भी जरूरी नहीं कि सभी एजुकेटेड हो, किराए के लाइसेंस भी लोग खोले बैठे हैं। मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ, एमोक्सिसिलिन 500 आप ले सकते हैं दिन में 3 बार, उसके साथ आप लेबोकफ टैबलेट जो होती है वो आप ले सकते हैं। लेबोकफ में क्या होता है, गोएफेनेसिन होता है, फिनेलेफ्रिन होता है, एंड एक पैरासिटामोल भी होता है जिसमें आपको जुकाम हो, बुखार हो वो भी काम कर जाएगा, खांसी हो वो भी काम कर जाएगा, और साथ में आप एमोक्सिसिलिन 500 है वो दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक इफेक्टिव डोज होगी जो कि आप सुबह दोपहर शाम 3 बार लोगे 2 दिन में, तो आपकी खांसी जुखाम जो होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप कभी भी केमिस्ट पे जाकर आप सोल्ट पर ज्यादा ध्यान दिया कीजिए, ना कि ब्रांड पे, क्योंकि काफी ब्रांड आती है इसमें। आप एलमोक्स 500 भी आता है, सिपमोक्स 500 भी आता है, नोवामोक्स 500 भी आता है। जनरली हम आम आदमी क्या समझते हैं कि जो डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया वही ब्रांड चाहिए, ब्रांड से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सोल्ट से मतलब होना चाहिए। क्योंकि सोल्ट अगर इफेक्टिव है और अगर कंपनी अगर अच्छी है तो आप वो सोल्ट काम करेगा ही। हाँ, जो झोला छाप डॉक्टर हैं या जो बिल्कुल ही रद्दी कंपनी की दवाइयां जो रखते हैं उनसे मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, कोशिश कीजिए अगर आप जब भी मेडिसिन लो तो रैपर के अंदर होनी चाहिए। जो खुली मेडिसिन होती है उनकी एफिकेसी का कुछ पता नहीं होता, उनकी एक्सपायरी का कुछ पता नहीं होता, उनके क्या साइड इफेक्ट होंगे उनका पता नहीं होता। जो रैपर में होता है तो वो एक पूरी एक परिनिधि के अंतर्गत होती है, उनकी एफिकेसी होती है, ड्रग की जो एक्शन मोड ऑफ एक्शन वो काफी अच्छे से काम करेगा। खुली मेडिसिन होगी वो आप लेने से अवॉइड कीजिए, क्योंकि उनका ये नहीं पता होता कि एक्सपायरी कब की है, ठीक है, और उनकी जो इवेपराइज हो जाती है, एफिकेसी कम हो जाती है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी आपको अपनी मेडिसिन चेप देगा और आपको उसमें फायदे भी होते हैं नहीं होते हैं, फिर आप बार बार मेडिसिन लेते रहते हो और धीरे 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 अपना पैसा इस प्रकार से लूज करते रहते हैं। इससे अच्छा है आपको मैंने जो बताया ये फार्मूला, आप 1 दिन या 2 दिन में अगर आपको इफेक्टिव लगता है तो उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और ये मैंने खांसी जुखाम के बारे में बताया, अगर इससे संबंधित आपको और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी लोग इस प्रकार से शुरुआत की जो खांसी होती है उसमें ये एंटीबायोटिक और एंटी कफ की जो ये टैबलेट है, इसमें एंटी कफ भी है, एंटी एलर्जिक भी और एंटी पैरेटिक भी है, बुखार की भी है, जुखाम की भी और खांसी की भी है, तीनों ले सकते हैं और आप 1 से 2 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और दोस्तों, आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक नमस्कार।